नमस्कार, आप सबका मधु की रसोई में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चीज बॉल। पोटैटो चीज बॉल में लगने वाली सामग्री है, चार आलू ले लेना है, उनको उबाल लेना है, मैंने पहले उबाल के रख लिया है, उसको छिल दिया है। तीन ब्रेड, मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, उसका हम क्रम बनाएंगे। तीन स्लाइस चीज स्लाइस लिए, नमक स्वाद अनुसार, चम्मच जीरा, चुटकी भर ऑरेंज रंग खाने वाला, और चार बड़े चम्मच मैदा, तीन बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और आधा चम्मच चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स घर में भी बना सकते हैं। इसको साबुत लाल सूखी मिर्च लेनी है, उसको मोटा मोटा कूट लेना, चिली फ्लेक्स बनके तैयार हो जाएगा। तीन साबुत हरी मिर्च बारीक काटी हुई है, और मिक्स हर्ब लिया है आधा चम्मच, और मोजरीला चीज ग्रेट किया हुआ। और तलने के लिए रिफाइंड ऑयल। सबसे पहले हमने आलू को मैश करना है। आलू गरम है, इसलिए हमने फोक की मदद से मैश करेंगे। आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं। आलू को अच्छे से मैश करना है। हाथ की मदद से करेंगे अब, क्योंकि आलू थोड़ा ठंडे हो चुके हैं। ऐसे उंगली की मदद से थोड़ा दबा लें, मैश कर लें। इससे आलू को थोड़े बहुत जो छोटे टुकड़े हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाए। फिर हमने इसमें चिली फ्लेक्स डाल देना है, हरी मिर्च, मिक्स हर्ब नहीं हो तो ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं, जीरा, नमक, चुटकी भर खाने वाला रंग, फिर हमने कॉर्नफ्लावर डाल लेना है, डेढ़ चम्मच। इसको अच्छे से गूंदेंगे। अब इसमें हमने चीज डालना है, चीज स्लाइस। इसका रैपर जो है तभी हमने हटाना है, इसका कवर चीज का, ये तो चीज पिघल जाती है। इसको चीज को भी अच्छे से मिला देंगे। हमने फ्रेश ब्राउन ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, इसको हम तोड़ लेंगे और मिक्सी में इसको हमने क्रम्स बनाने हैं। हमने सुखाना नहीं है इसको, हमने फ्रेश ब्रेड के ही बनाएंगे, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे।
मिक्सी में हमने ब्राउन ब्रेड के फ्रेश स्लाइस को बारीक कर लिया, पीस लिया है। अब इसको हमने ऐसे फैला देना है प्लेट में, जिससे कोटिंग करते हुए आसानी रहे। अब जो हमारा मिक्सचर तैयार है आलू का, उसको हमने लेना है, छोटे छोटे बाउल बनाएंगे। आप चाहे तो बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन छोटे अच्छे लगते हैं। ऐसे बाउल बनाएंगे, फिर एक बीच में ऐसे अंगूठे की मदद से ऐसे वो गड्ढा करना है। फिर इसमें चीज, मोजरेला चीज जो हमने ग्रेट किया वो डाल देंगे। फिर इसको हमने ऐसे बंद कर देना है। ऐसे ही हमने बाकी भी बना लिए। हम आधे मकई के दाने के साथ भी पोटैटो चीज रोल बनाएंगे। तो उसके लिए हमने मकई की, कच्ची मकई के दाने ले लिए हैं। उनको नमक वाले पानी में कुकर में थोड़ा उबाल लिया है एक सीटी आने तक, और फिर मैंने पहले से उबाल रखा है ठंडा करके। फिर इसको भी हमने आलू के मिश्रण में मिक्स कर लेना है, इससे और भी टेस्टी बनते हैं और एक अलग तरीके की रेसिपी भी हो जाएगी। फिर से वैसे ही हमने लेना है, मकई के दानों को अच्छे से मिला लिया है, वैसे ही हम लेंगे। फिर इसमें हमने मोजरेला चीज फिर से डालेंगे वैसे ही। बॉल तैयार है, अब इसकी कोटिंग करनी है। तो इसके लिए हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर का घोल बनाएंगे। तो उसके लिए खाली बर्तन लेंगे और उसमें मैदा डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर डाल देंगे, नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा डालना है क्योंकि हमने आलू के मिश्रण में पहले से नमक डाला हुआ है। ब्रेड की क्रम्स जो होती है वो भी नमकीन होती है, ब्रेड नमकीन होती है, तो इसलिए नमक कम डालना है। फिर हमने पानी डालना है, धीरे धीरे पानी को डालते हुए हमने उसका घोल बनाना है। घोल बन के तैयार है, ना ज्यादा पतला करना है ना गाढ़ा करना है, ना पतला घोल होना चाहिए।
उसके बाद हमने बॉल लेना है, उसमें हमने डालना है घोल में, ऐसे घोल को ऐसे छोड़ते हुए फिर हमने क्रम्स में, यानी जो हमने उसको मिक्सी में पीसा है उसमें हमने ऐसे कोट करना है ऐसे। ऐसे हमने बाकी होल को भी लेना है और उसमें कोटिंग करनी है, डुबोना है इसमें जो हमने कॉर्नफ्लावर और मैदे का घोल बनाया है उसमें, और वैसे ही हमने ब्रेड का जो मिक्सी में पीस के पाउडर बनाया मिक्सी में पीस के उसमें हमने ऐसे कोट कर देना है और फिर रख देना है। कोटिंग हो चुकी है पोटैटो चीज बोल की, अब इसको हमने एक घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। एक घंटा कोटिंग हुए चीज बोल को, पोटैटो चीज बोल को रखे हो गए हैं फ्रीजर में। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे, तो उसके लिए कढ़ाई में तेल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल में हमने फ्राई करेंगे, तो इसको डीप फ्राई करना है तो गैस ऑन कर देनी है। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें हमने कोटिंग हुए चीज बॉल को डाल देंगे पोटैटो। आंच को मध्यम रखेंगे, हमने तब तक तलना है जब तक कि अच्छे से ब्राउन हो जाए। आराम आराम से हम इसको पलटेंगे। पोटैटो चीज बॉल ब्राउन भी हो चुके हैं और क्रिस्पी भी हो गए, अब इन्हें हम तेल से निकाल लेंगे। बाकी भी हमने ऐसे ही फ्राई करने पोटैटो चीज बॉल को। पोटैटो चीज बॉल बनके तैयार है। ये बाकी बहुत अच्छा स्नैक्स होता है और इसे आप बच्चे की बर्थडे पार्टी या घर पे वो पार्टी वगैरह हो तो उस पे जरूर बनाए, ये बाकी सबको अच्छा लगेगा। और इसे आप टोमेटो सॉस या हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ये बाकी बहुत टेस्टी लगते हैं। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।